करे मामूजी इसे बढ़िया चाले अल्हा बबुआ बढ़िया चाले हो अब दरवाजे बढ़िया चाले हमारे सरदार चाका चारी रे फिर अल्हा को ये किस बात में मेरा हो दलाल बढ़िया बैठे हो आला राजा मामूजी आनंद हो भागीदार हर्षी मामूजी आज बरसों साल के बाद चक्कर लगाए राजभवन में क्या बात है। हाँ हाँ सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। अरे उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है जिसके पास तुम्हारे जैसा भागीन रहे भला उड़ियल किला पर कौन देश का छत्री क्या कर सकता है। किसी तरह की दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है। चलिए अच्छी बात मामूजी। अरे तुम पहले मोहबा किला का समाचार बताओ। अच्छा मोहबा किला के समाचार सुनने के लिए चाहा बाबूजी रे जब तक सीस रहे कंधा पर अंधा धुन चले तलवार किसकी मैया जो धाजर में कर गए राज मोहबा पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रहेगी। चब्बस क्या कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं सिर्फ आपका आशीर्वाद होना चाहिए सारा परिवार बिल्कुल टनाटन है गदगद है किसी तरह की परेशानी नहीं। अच्छा चलो ठीक है बढ़िया है तो तुम्हारा मामा भी बढ़िया कैसे आना हुआ मामूजी अल्हा सिंह। अरे मैंने सोचा ऐसे घूमते घूमते एक रोज आज जाकर के मेला ठेला का समय है भागिन से मुलाकात कर लेंगे पोता उता से सबसे मुलाकात कर लेंगे चिड़ावला दिखा देंगे तो तुम लोग तो है इंदल को नहीं देखते हैं मामूजी। हाँ अरे बड़े बुजुर्ग तो यही काम है कि अपना सारा परिवार रिश्तेदार से जाकर के मिलना जुलना कुशल देखना क्या हाल है क्या समाचार कौन सा कष्ट है। हाँ मामूजी अच्छा बच्चे के बारे में पूछो। हाँ इंदल सिंह कहाँ इंदल सिंह के बारे में पूछो बच्चा है छोटे छोटे बच्चे के साथ गए होंगे गेंद उद खेलने के लिए या कहीं इधर उधर घूमने के लिए गया होगा घूमे ले गेलो है। जी हाँ हमें सोच के लिए कल ये जाय छे पोता इंदल के लेबे गोदी के मेला ठला देखा देबे की कहे छे मिठाई उठा खिला देबे कोनो खिलौना आर किन देबे फिर हम निकल जाए। मामूजी हाँ आपको जो हम नहीं कह रहे हैं कुछ इसमें बीमारी है से कौन बीमारी छे इसलिए अगर आपको सच्चाई बताएंगे आप सरे हुए आम है बीच में घुस करके सराना चालू कर देंगे। नहीं 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 ये बात सोच अच्छी है वो सब बात आप नहीं रह लेनु बुझी आप वो सब बात छोड़ दे चुगली चपाटी छोड़ दी आप छोड़ दिए अलगर छोड़ दी बिल्कुल ये खत्म क्या दे जहर से उखाड़ के चुगली के फेंक दिए। अच्छा तब अब देख लीजिए हमार शरीर आ गया जदना चुगली करना छोड़ दिए वो दिन से हम दिन दुना रात चौगुना भागे। चलिए अच्छी बात है कि बुढ़ापा में आपने चुगली छोड़ दी। हां मामूजी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप चुगली छोड़ दी क्योंकि आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं क्या आप घर घर में लड़ाई लगाने के लिए अच्छी तरह आप जानते हैं कि कैसे लड़ाई लगेगी। नहीं 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 भाई भाई में जूता चप्पल लाठी भोला कैसे चलेंगे वो भी मुझे मालूम है और सौर समाज में इधर से उधर चुगली करना किससे झंझट पड़ जाए वो भी मालूम है। अरे दुनिया कुछ कर भाई जी हम घर में लड़ाई ये सब छिटकाबाजी किसी और को दिखाइएगा मेरे पास नहीं हम आपके काबू में आने वाला नहीं है समझ गए। हमें तोरा कथी लग काबू में ले बोरे हमें समाचार पूछे ले लिए खेल कुशल पूछे ले लिए कैसे काबू में नहीं। ठीक है सारा समाचार ठीक है आप जा सकते हैं तो हमरा पोता इंदल से मिला देन हम चल जेबे मेला ठेला देखा देबे हम चल जेबे जे बात हम सोच के लिए है वो हमरा करना है। मामूजी जब तक आप पोता के बारे में नहीं सुनिएगा तब तक नहीं जाइएगा ही घास कबे नहीं करे तो ठीक है अगर इंदल सिंह के बारे में आप जानने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे साथ आप कसम खाइए। हम मैं हां हां हीरो तोरी यही चुगली के कारण आप गंगा जी में डूब कर भी बोलिएगा कि हम चुगली करना छोड़ दिए हैं तो अमरपति आला सिंह आपके बातों में नहीं है। जब तक हम कसम नहीं खाएंगे तुमको विश्वास नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है आला सिंह अगर मैं तुम्हारे सामने इस दरबार में अगर चुगली करने के लिए आए होंगे तो जो डेढ़ टांग वाला वो अभी चंदंगरा है वो भी खत्म हो जाए विश्वास हुआ मामूजी
रे चुगली करे रही है तो हमरो अपने आप के बोर फील्ड लागे रे बुझलि लोग भेलू नहीं दे रहे अखन अखन जे हम वहां से चल लिए माखर से बाप रे बाप आई गांव के लोग तो हमरा खातिर ला बुझी पिछर पिछर गिरे अच्छा जूतो रखा हुआ है गांव वाला के पास में यो बात सोच लीजिए मामूजी मान प्रतिष्ठा खब दे छी मामूजी अगर बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहकर सुना रहा हूँ जल्दी कहो मामूजी आज बाबू रुद्र सिंह तेगे तलवार चलाने में बलवान है और राज महोबा में जो भी सिंगार है सिर्फ राज महोबा में अब अमरपति आला सिंह को सोना के सिंहासन बना करके रुद्र सिंह राजगादी पर मुझे बैठा दिया और बाबू रुद्र सिंह जंगल का सर जंगल का डाकू जंगल का बादशाह बन गया। अरे मेरे भाई बाबू रुद्र सिंह अभी जोधा कहला रहे दुनिया के लोग उससे सलामी मारते हैं। मैंने सोचा कि अगर रुद्र सिंह एक है अगर राज महोबा में ऐसा योद्धा दो बन जाए इसीलिए मैंने सोच समझ करके मैंने अपने कमर से तलवार खींच करके इंद्र सिंह के हाथों में जाकर के मैंने बेटे को मैदान में उतार दिया बगीचा में उतार दिया कि आज से तुम तेगा की तैयारी करो ताकि हो सकता किसी दिन बाबू रुद्र सिंह के साथ किसी योद्धा के साथ टकराव होगा तो एक से दो भली। इसलिए मैंने सोच समझ करके इंद्र सिंह को अच्छा बगीचा भेज दिया बगीचा जी हाँ तेगा तलवार सीखने के लिए। हाँ तो क्या हुआ सीख लो यार कि नहीं बच्चा सीख रहा होगा मजे से जब तक सीख नहीं लेगा तब तक लौट करके राजभोगा आ नहीं सकता। आहे रो तोरी लागे छे छोरा का तालीमे क्या देबी ना बच्चा किसका है मामू जी अलहर से। हाँ बोलिए क्या इंद्र सिंह तेगा तलवार सीख कुछ की ना सीख करके तैयार भी हो गया होगा आता भी होगा अब देखते हैं कौन सा छतरी हमारे राज महोपा पर टकराता है। तब तो बुझिया बलवान भाग लो आला सिंह इधर सच में तेगा तलवार सीख रहा। अरे एक बार बोल दिया ना मामू जी तेगा तलवार बेटा सीख रहा और जब तक सीख करके तैयार ना हो जाएगा तब तक राज महोबा लौट कर भी नहीं आ सकता। झूठ हर तरह बोले बिल्कुल नहीं हमारा आने विश्वास अरे विश्वास कीजिए मामू जी विश्वास कीजिए नहीं होता तो रहने दीजिए जाइए यहाँ से। अल्हा से अरे तुम जो सोचता है कि मामू जी इतना हल्का है मामू जी हल्का नहीं है बहुत वजन में है। ठीक है कहने के लिए क्या चाहते हैं मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि इंद्र सिंह जो बगीचा गया तलवार सीखने के लिए वो तलवार सीखा है या नहीं सीखा। नहीं सीखा तो फिर क्या हुआ मामू जी मैं आपको वजन टेप रहा था कि आप कैसे कितना पानी में फिर आलम दादा लौट करके आया मेरे दरबार और मेरे सिंहासन के आगे आकर के तलवार फेंक दे बोले पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना बल्कि आप कर्मज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए जा करके मैं पढ़ेंगे लिखेंगे आगे चल करके राज महोबा का नाम। मैंने उसको बार बार समझाया बेहुदा समझ ही नहीं रहा था गुस्सा का मोड़ इतना मोड़ सर्दी गर्मी तार दिया और हाथ में हथकड़ी डाल करके कैद घर में डाल दिया। इंद्र सिंह को कैद घर में डाल दिया। अरे बेहुदा जब नहीं मानेगा मेरा बात तो ऐसा बेटा रहना ना बेकार है। अच्छा अल्हा सिंह तुमने बहुत अच्छा किया बहुत बढ़िया किया अभी छोटा बच्चा है नादान है अभी से अपने पिता का वचनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको कैद में अरे हमरा के बेटा रहती है ना तो फांसी दे देते नहीं मामू जी बहुत अच्छा ऐसा है ना अभी उसको समझौता करने के लिए ताकि दर्द सहेगा नहीं कैद घर का कैसा मजा होता अपने आप हाँ भरेगा फिर भेज देंगे। चलो ठीक है बहुत बढ़िया अल्हा सिंह। हाँ मामू जी तुमने इंद्र सिंह को तो कैद में डाल दिया बिल्कुल डाल दिया और तुम देखो तो इंद्र सिंह कैद में है मैं समझाने अब क्या करें अरे तुम जा करके देखो इंद्र सिंह कैद में है या नहीं है। मामू जी मेरा बेटा कैद में है तो कैद में है ऐसा हो नहीं सकता अगर ऐसी बात है तो मैं कैद में भी देख कर कहता हूँ मेरा बेटा कैद में है कि ठीक है देखो रे छे रे हाथी तो खोल के ले गए पगहा है धरल मामू जी मेरे कैद में आने का तो आज तक कोई ऐसा माँ के लाल वीर ही नहीं पैदा दिया कि मेरे कैद में से मेरे कैदी को चुरा कर ले जाएगा
ऐसा कौन है जो कैद को छोड़ा, कैदी को छोड़ा करके ले गए? अल्लाह सिंह, अरे तुम क्या समझता है कि वीर है, हम बलवान है? अरे तुम से भी ज्यादा बलवान है घर में, जो कि खोल करके कैदी को ले गए। अरे अरे मरने जाए छे, मरने जाए छे, मुंह देखबे छे ए गांव के लोग हमें तो इज्जत। सुन, तोरा घर के मालिक तू छी कि तोर मौगी छी? राज नहीं छे, भेजा खराब हो गया। ताकले हम कर मुंह खराब है का देखबे छे। अरे क्या कर, का कह रहे, साफ साफ बोलिए, बात क्या है? आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? तू इंदल सिंह का कैद के लिए और तोर जो परिवार छो खोल के आजाद कर, तोर कौन भेलू रे जकरा घर में मौगी मालिक से बाकी कर? मतलब मेरी रानी खोल करके ले गई है? कैदी को रानी खोल करके ले गई? हमरा आर के जो बहु एना करती है ना, अगर जो एना हमरा आर के परिवार कह देती है तो मारते मारते मामा जान। रानी के ये हिम्मत जो कैद में से कैदी को खोल करके ले गई है, जब हम अपने बच्चों को शासन कर रहे थे तो हरमजादी कैद से खोल करके ले जाइए। होश बजा करके बात कीजिए, अगर रानी ले गई तो रानी मेरा मालिक रहिए। इतना मार मारेंगे हरमजादी को, इतना मार मारेंगे सर्दी गर्मी तार दे। कहां गई होगी अभी तक, कहां गई होगी? हमरा तब की कही अगर जो ना चूड़ी अभी बेटा को लेकर के कहां गई है? बेटा के लेकर घर में खाना खिलबे छो, खाना खिला के कन बज ले तो नाम लिख ना बजे। अगर रानी खोल करके ले गई है तो मैं आपके साथ वादा करता हूं, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे सब हमरा आगे। आओ बतिया सुन क्या मामू छतिया जल गए, ये हो लखिया लाल पियर हो पो बेटा राजपूतों का परिया चाले आला बबुआ, परिया चाले हो अरे दरबार से रानी को आवाज लगा कर जरा उससे पूछ तो लेते, उसके बाद सोचे। रानी सुनिए, हे ये नैना पे लिमो, ये कबर मूले करियो राजा थी दीदारे लौटारे के खोलना तेरे तो तपरे तले जाबारे करे रानी से हो हेलो बैटिक बदल दीजिए राणे। सबसे पहले तो तुम महल का समाचार बोलो,
क्या समाचार है? ठीक ठाक तो है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? क्या बोले स्वामी जी? आपकी आवाज सुनते हुए तो मुझे सस्पिशन हुई कि हो सकता है कि आज स्वामीनाथ क्या हो, किसी से तकरार तो नहीं पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है रानी, माल के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। अपना कुशल मंगल का ये कि किस तरह दरबार में दिन गुजरता है। रानी मैंने आज इसलिए बुलाया तुझे कि आज मैंने कैदी को कैद किया था, वो कैदी कैद से फरार हो गया है, इसलिए मैंने तुझे तुझसे पूछा कि कैदी क्या तुम खोल करके ले गई है या नहीं। कैदी को कैद किए थे और वो कैदी कौन सा था? नहीं था, मुझे क्या मालूम। अच्छा, कैदी के बारे में जानने के लिए चाहती है? जानने के लिए चाहती है। रानी वही मेरा नालायक बेटा था कि मैंने अपने कमर से तलवार खींच करके मैंने उसके हाथों में थमा दिया, ताकि जिस तरह बाबू रुदल सिंह बलवान है तेगा तलवार चलाने में, मैंने यही सोच समझ करके इंदल सिंह को मैंने ठहराया था, ताकि आगे चल करके वो भी वीर बलवान बनेंगे, वो भी आगे चल करके नाम रोशन करेंगे। अच्छा, इसलिए बेटा को कैद कर दिया? रानी बेटा को आपने कैद किए तलवार सीखने के लिए, लेकिन गलती किया था बेटा को जो आपने कैद किए? अच्छा, गलती किया था? जी जी, बस गलती यही है रानी कि मेरे बातों को नहीं रखा, मेरे बातों को उल्लंघन कर दिया, इसलिए ना मैंने बेटा को चेतावनी के लिए मैंने उसको दंड दिया, मैंने कैदी में कैद करके कैदी को कैद कर दिया। हेलो, आपके वातावरण को कैदी नहीं रखा, आपका उल्लंघन किया था, आपको कैदी को कैद कर दिया। कैद कर दिया। आप कैदी को कैद करने वाले कौन होते हैं? मतलब कैदी को कैद करने वाला कौन होता है? जी जी जी, मैं कैदी को कैद करने वाला उसका पिता हूँ। अच्छा, आप उसका पिता है। हाँ, कैदी को खोल करके कौन ले गया है, और कैदी को खोलने वाली तुम कौन होती है? आप जिस कैदी को कैद किए उस कैदी को खोलने वाली मैं उसकी माँ होती हूँ। अच्छा, किसके इजाजत से खोल कर ले गई है? आप किसके इजाजत से कैदी को कैद किए थे, जवाब दीजिए। मतलब मुझे किसी का इजाजत लेना पड़ेगा कैदी करने को? और क्या, तो मुझे किसकी परमिशन चाहिए? राने, अगर जो बच्चा अपने पिता का बात नहीं माने तो क्या करें, उसको कैदी ना करेंगे? आज अगर कैदी को तुम खोल कर ले गई है तो तुम्हें हमसे पूछ लेना चाहिए ना। और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि माँ का अधिकार बेटी किसकी होती है? कैदी को खोलने के लिए मैं आपसे पूछूं? कैदी गलती किया था, कैदी को पिटाई कर रहे थे, आप मुझसे पूछे थे, कैदी को कैद किए थे, तो आपको भी मुझसे पूछ लेना चाहिए कैदी गलती किया है। ये दरबार की मामला है रानी, ये माल की मामला नहीं। ये भी मैं कहती हूँ घरेलू मामला है, कोई बाहर की मामला नहीं है। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो, ज्यादा आगे बढ़ने का कोशिश मत करो, समझ गई? अच्छा, हाँ, आप भी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मालिक बना दियो तो स्टेनो बाबू नहीं बन गए हैं, समझ गए ना? ज्यादा बोल रही है तुम, ज्यादा आप बोल रहे हैं। अधिकार की बात है तो तुम खोल के ले गई है, बेटी किसकी होती है? बेटी माँ की होती है। बेटा किसकी होती है? बेटा बाप का होता है। बेटा पर अधिकार मेरा है ना? हाँ, बेटा का अधिकार आप पर है। तो फिर तुम कौन खोल गई? बेटी का अधिकार मेरी है, लेकिन माँ के अधिकार दोनों पर है। ऐसा कुछ नहीं है, है? सीधी तरह जो कैदी को तुम ले गई है मेरे हवाले कर दे। असंभव बात है। असंभव जी, आला सिंह असंभव को संभव करता, समझ गई? कैदी दोबारा कैद में नहीं जाएगा, ये नामुमकिन है। कैदी दोबारा आएगा तो आएगा, मुमकिन है नामुमकिन तो छोड़। कोई हाल में कैदी दोबारा लौट कर जाएगा नहीं, कैदी कनवर जाएगा। कनवर, समझ गए? हम भी देखते कैदी कैसे कनवर जाता है, और मैं भी देखती हूँ कैदी कैसे कैद घर में फिर दोबारा। राजे, अगर कैदी को तुम ला करके मेरे सामने नहीं करती है और मेरे हवाले नहीं करती है तो मारते बिजली कुआं से गोरा बदल को काला कर। अगर कैदी को मेरे बगैर इजाजत से कैदी को कैद कर दिया तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। तू नहीं ला कर दे? नहीं, जो ला कर दे दिया नहीं तो नहीं, हाथ नीचा कर, उंगली नहीं दिखाई, समझ गई? नहीं करूंगी, ज्यादा उंगली दिखाने वाले ज्यादा, आप बताते हैं। सीधी तरह कैदी मेरे सामने ले रहा, यही में भला नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सोना रानी की बात का है। नहीं रहेगी, मेरी वादा है, मेरी चैलेंज है। तुम्हारा चैलेंज है? जी जी, मेरा भी चैलेंज सूझ ले,
बेटा आएगा कैदी आएगा तो आएगा, बेटा कन्वर्ज में पढ़ेगा तो पढ़ेगा, हम भी देखते तू पढ़ाएगी कि हम कैद करते, हम भी देखते आप कैद नहीं कीजिए मैं पढ़ाऊंगी। आगे बतिया सुन क्या है हरी छतिया चल गए एक अखिया लाल पियर के पास तलवार पोसल बेटा राजपूतों का तब तक चलता तो बेटा ये राजपूतों का हे ये नहीं हम बेटी वही बनिया के ले थमकी से जय भैया आगे खचा बुला बुलिया है हरे गलदन पर सोबे एक गलबा पर सोबे छै घुमौआ हरी धबिया के पर्सन एक पिठिया लगे बजरा समान एक जगिया लगे क्या लगे अब तेरा के मन दे तो बेटा के आगू तो का ये सुनो बराई सामी मोर पिता के ये पिया बा सुनो गजब के ये मोर बंगला है चौदह तरीके गिरल छै दालान एके खंभा पर वो बंगला है ये बिजली छिटक छिटक रही जाए चले नगिन हर खंभा में पिया सुनियो गजब के बात कुर्सी कुर्सी सहगा बैठे यारो बैठे बगल पठान ऊंचा सिंहासन मोर पिता के तब तो रहे मरद में नाम टुबुक टुबुक के तबला बोले बकबै बकबै बोले सियार नाचे पतुर निकासन के सोना माटे रही छै महीना है हरी मगे दो तर बोले एक फागुन महीना एक बीते एक तीन चतवनी है हरी हाल आला के जो समरे यमरा बन जा एक जो ना समरे या सियात तब तक चलते हो हथियार के मार आते बेटा के राजपूतों का सापन सहला सामी के यो ये बानई के यो मैं भादो मैं गंगा है नहा तिरछी नजरिया रानी के यो ये मारई के यो करई छै सोलहो सिंगार किन करतेगा मेला में चमकई के यो करई छै पार कैदी को सामना नहीं करेगी किसी शर्त पर नहीं करेगी अरे लिए से कैदी को सामना इसी में तुम्हारा भलाई है इज्जत से परवेश कर रही हूँ भला चाहते हैं तो घर में खाना खाए घर में जाए लो या लो बेला आयो बकरे लो तेरा चारा चारे पता ना हम ही के I'm not.
ले जा। रमजादी बुखार या छोड़ा देंगे, क्या समझती थी कि तुम्हारा कानून चलेगा यहाँ? बच्चा बिगड़ेगा तो बच्चा को बिगाड़ने के लिए देंगे? तुम ही जैसी जैसी माँ रहेगी वही बच्चा को बिगाड़ करके छोड़ देंगे। लागे जे पागल भए गेले, तुम्हारे दादा पुरखा पागल होगा। बच्चे के समझौता करना मेरा फर्ज है, अगर बच्चा बिगड़े तो उसको सही सलामत जगह पर लाना मेरा फर्ज है। तब ना कॉल कर रखी साहब यो बाबू, जकर तेन छान छपर तेन ओकर खैर कहा, जकर तेन बाप पीती तेन ओकर लड़का। अपना मूर्ख से तो बेटो का मूर्ख बने, मूर्ख बनाइए। सिर्फ तेगे चाहिए मेरे लिए तो हथियार सीखने की जरूरत है। सिखा के देखियो ना, देखते हम सिखा करके छोड़े, हमें पढ़ा के छोड़बे, पढ़ा करके छोड़ेंगे। हाँ उठा कर ले जा, देखते एकदम। अरे कितनों का तो धुम्मा आकर बात बने रही है, खोपड़ी को समझ गई। तुम्हारे दादा पुरखा का कमाई खाते, तुम्हारे दादा पुरखा का अपना कमाई खाते, अपना कमाई खाते, दम कता नहीं चीज खिलवाई नहीं जाइए। हम देखते हैं अब वो खेत में डालेंगे, देखते कौन खोल कर के ले जाता है। ओनो खेते ओन ने इतने जीते हमें लागे कल्ला तक खा ले जे जाके छेड़ दे। हम जादू इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सब ड्रामा निकाल देंगे। मारियो तो मार के तू लग में आकर के बात कर दे। ए अगे लिए की छे, की छे तक क्या कर रही थी? वह बात ने कहा क्या रही थी? हां हां क्या कर दे फिर से बोल ना, हम उखाड़ लेंगे, समझ गए, उखाड़ लेंगे चुटिया। अमर चोटी के था बस का चल, देखते हैं कांच खोल के, देखियो ना कता रखबे ओरा। अब वो कैद में डालेंगे, दुनिया के कोई ताकत इसे खोल के नहीं ले जा सकता। साला परिंदा को भी सोचना पड़ेगा कैद में आने का। कल के बाप ने पूता बैठ चंगा मुत्ता नहीं जग तू जागिए, नहीं जागिए कता जेबे हम छोरा का छोरा के जेबे। अच्छा हां अच्छा, हम भी देखिए चल कराओ छोरा कर, देखते हम कैसे चलती दिखा दूं, जाकर दिखा दूं। बलिया चाले याला बबुआन, बलिया चाले हो अब दरबार के। तब तेरा गे मरद मेरे नाम बड़ा सारा हो राजपूतों का। अरे फिर तुम्हें कैद में डाल दिया दादाजी, फिर दोबारा मुझे पिताजी ने पिटाई किया और फिर दोबारा कैद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आला सिंह, चलो ठीक है दादाजी। हाँ सबसे पहले मेरा चाचा जी को खबर जाना दीजिएगा
यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे चाचा जी पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे पागल होने नहीं दूंगा। पोता इंदल, अरे तुम धैर्यवान करके रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ, चाहे तुम्हारे चाचा जहाँ मिले मैं उसे खबर जला करके मैं तुम्हें कैदगर से मुफ्त करवा करके रहूंगा। चलाइए हो खबर जानी हो हमारा चाचा जी के हो जा गोदी में खेला चाचा हो रह खबरिया रे पोता चाचा जी के जाय बोलियो खबरिया रे सुगा तोरे चाचा जी के सबसे पहले मामूजी उड़ियल किला का समाचार तो कहकर के सुना। अरे उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तुम पहले बताओ कि तुम्हारा क्या समाचार है। मेरा भी राज बाबा का समाचार मामूजी अच्छा ही अच्छा है। अच्छा है हाँ। रुद्र सिंह हाँ। अरे ये बात तो सब जानता है कि 6 महीना तुम जंगल में रहता है, सिर्फ 2-4 रोज महुआ किला दरबार में रहता। बाबू जी हाँ, आपके उड़ियल किला पर जाकर के कोई छात्र चढ़ाई तो नहीं किया है। नहीं नहीं, अरे जब तक शीर्ष लाए कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जल में जो उड़ियल पर गले चढ़ाए, छाती तोड़ दो साले को, आखिर दम रहेगी। फिर बात क्या है बाबू जी की आज आपने उड़ियल किला को छोड़ करके जंगल आए। रुदल सिंह अरे बात तो कुछ नहीं है, नहीं तो बात बहुत बड़ा। क्या बात बड़ा है? बात यह है कि आज मैं तुमको ढूंढने के लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। क्यों? हाँ आखिर क्या बात है? रुदल सिंह एक दिन की बात है, तुम्हारे भाई अल्हा सिंह ने इंदल सिंह को बगीचा भेजा था तेगा तलवार सीखने के लिए। क्या? हाँ भाई साहब ने इंदल सिंह को तेगा सीखने के लिए बगीचा भेजे। बगीचा भेजे और बगीचा जाते ही इंदल सिंह के मन में अचानक ऐसी बात आई कि इंदल सिंह वहां से आपस लौट करके महुआ किला दरबार आ गए और अल्हा सिंह के सामने जाकर के तलवार को फेंक दिया और इंदल सिंह बोला, पिताजी आज से मैं तेगा तलवार नहीं सीखूंगा, आप चलिए कोई अच्छा स्कूल में जाकर के मेरा एडमिशन करा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, आगे चल के आपका महुआ किला राज का मैं नाम रोशन करूंगा। अच्छा बात बोला। और इतना सुनते ही अल्हा सिंह के दिमाग में क्या हुआ नहीं हुआ, बाप रे बाप, छोरा का ततेक मार मार लगे, इंदल सिंह का ततेक मार मार लगे, छोरा के गोरा बदल के काला का दल के बुझली,
बाइन के दोनों हाथ उल्टा आ कैद घर में कैद कर दिल के। बाप रे बाप। मामूजी शायद आज आपके आंख में आंसू कहीं नहीं निकला तो आप आए हैं मेरे सामने आंसू बहाने के लिए। की करिए, आपको पता है ना कि किसके सामने में आप खड़ा है? हाँ भगना, हम रुद्र सिंह जी। मेरे पास मामू और भांजा का कोई रिश्ता नहीं है। अरे बाबी कौन बात है? मेरे बेटे इंद्र सिंह को मारने वाले को 2.5 किलो का कलेजा होना चाहिए। रुद्र सिंह, अरे हम झूठ बोलने के लिए आए हैं कि आपको कहीं चुगली नहीं मिला तो चले हैं रुद्र सिंह के सामने? चुगली चुगली करना हम छोड़ दिए। छोड़ दिए है? अगर चुगली कर रहे आप छोड़ दिए है तो आप बेटा लगा करके कसम खाइए, मुझे विश्वास हो जाएगा। हे हो बाप, 151 बेटा के यह खा गेले, एक नंगरा बचल छे। हमर पोता के ओहन हालत छे, पोता हमर एतेक सुंदर ओते कष्ट में छे, ओए पोता कारण हमर नंग डेढ़ टंग वाला बच के की करते। रुद्र सिंह, अगर हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे इंद्र सिंह कैद में नहीं होगा, वो जो मेरा नंगरा अभी चल है नाश हो। अरे बाप जल्दी चल पट मार। पहले सुन मेरे बात। रोना शुरू किया है मेरे सामने भाई साहब ने इंद्र सिंह को देगा दिया बगीचा में सीखने के लिए। सीखने के लिए बताइए। इंद्र सिंह बगीचा से दरबार वापस आया, तेगा को भाई साहब के सामने में फेंक दिया। हाँ। और इंद्र सिंह ने बोला कि पिताजी हम तेगा नहीं चला करके हम पढ़ेंगे लिखेंगे। हाँ हाँ, यह बात बोल ली। छोड़ मामू जी, 5 साल का बच्चा कितना सोचने वाला हो गया। वह बात में हम कितना विद्वान हो गया। अभी मामू जी बाबू रुद्र सिंह राजमहल में तेगा चलाने के लिए जिंदा है ये है, फिर इंद्र सिंह को तेगा सिखाने वाले कौन होता है? छह कोनो जरूरी, छह कत्ता कोनो जगह अच्छा बोलता। इसका मतलब है बाबूजी कि मेरे भाई के मन में दगाबाज है, बदनेती छो ग्रामों की। हो सकता है जिस तरह से बाबू रुद्र सिंह तेगा चलाने में वीर बलवान है, उस तरह से मेरा बेटा भी हो जाएगा। हो सकता है किसी न किसी रोज दोनों को एक कट्टा हो जाने के बाद दोनों में लोहा का मार नहीं बजा जाए। यही सोच करके बिल्कुल मेरे भाई ने भाई इंद्र सिंह को दिया है तेगा सीखने के लिए। तब इस वक्त बेटा है कहाँ? इस वक्त कैद में है। बाप रे बाप, व्याकुल भए रहल छौरा के देखल नहीं जाए हालत।